नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नेचुरल हेयर पैक जो आपके हेयर में से जितना भी यू नो स्प्लिटन्स है उसे रिमूव करने में हेल्प करेगा एक बार नहीं आपको अप्लाई करते रहना है ताकि आपको रिजल्ट मिले बट बिफोर गोइंग इन टू द वीडियो यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल यो वॉचिंग रेविज फैशन चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आपको पता ही है मैंने अपने हेयर पे कलर किया था एंड आफ्टर दैट कॉलेज ओपन हो गया था एंड मुझे कुछ दिनों के लिए कॉलेज जाना भी पड़ा एंड मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी कॉलेज के काम को लेके सो so, मैं अपने हेयर केयर रूटीन को मैंने मतलब मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे कुछ हेयर केयर रूटीन भी करना है मुझे वक्त भी नहीं मिल रहा था फाइनली आई ट्राई दिस वन एंड बिलीव मी गाइज यू आर गोइंग टू लव इट इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आमला पाउडर मैंने यहाँ पे टू टू थ्री टी लिया है आप अगर चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं एंड आई एम एडिंग फोर टी स्पून ऑफ ऑनियन ऑयल यहाँ पे आप चाहो तो ऑनियन ऑयल की जगह आप यहाँ पे ऑनियन जूस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है देन मैंने uh, मेरे पास न्यूइश का ऑनियन ऑयल uh, थोड़ा सा ही बचा था तो वो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया यूज़ करके बट ऑबसली इट विल बी रियली गुड अगर आप ऑयल यूज़ करो तो एंड uh, मैंने यहाँ पे uh, ऑनियन ऑयल जो यूज़ किया वो था ऑरिगेंस का उसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे है तो आप चेकआउट कर सकते हो आपको आई बटन पे ऑरिगेंस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा तो आप चेकआउट कर सकते हो मैंने यहाँ पे जो आमला पाउडर यूज़ किया है वो भी ऑरिगेंस का है वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करो आपको बहुत पसंद आएगा एंड फाइनली आई हैव यूज वन टी स्पून ऑफ़ मेहंदी आप यहाँ पे मेहंदी पाउडर को स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है आप यहाँ पे थ्री टी स्पून की जगह फोर टी स्पून ऑफ आमला पाउडर यूज़ कर लीजिए उससे भी काम हो जाएगा इफ़ यू हैव माई लेंथ ऑफ़ हेयर अगर आपका लॉन्गर हेयर है देन ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है उस हिसाब से आप लाइक like, आप कैलकुलेशन कर लीजिए ओके okay. यहाँ पे मैंने क्या किया अप्लाई करने से पहले हेयर को अच्छी तरह मैंने कोम्ब uh, कर लिया ताकि कोई भी नॉट्स ना रहे डिटेंगल्ड हो, हो के रहे ठीक है नेक्स्ट एम गोइंग टू अप्लाई यहाँ पे शायद मैं कोई गाना गुनगुना रही थी एनी वेज ओके एक्चुअली मैं कभी कभी ना भूल भी जाती हूँ कि कैमरा ऑन है मेरे सामने एनी वेज शायद वैसा ही कोई मोमेंट था यहाँ पे मैंने मिडिल पार्टीशन कर लिया अपने हेयर को एंड फिंगर्स की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ uh, अपने पूरे हेयर पे मैं इसे मसाज करूँगी मेरे लेंग्स में भी मैं इसे पूर, पूरे हेयर पर एक्चुअली मैं इसे स्प्रेड करूँगी ठीक है हाँ और एक चीज़ गई मैं बिल्कुल बोलना भूल गई थी Uh, आपको ये जो प, आप जो ये पैक बना रहे हो ना आपको ये मिक्स करने के लिए हॉट वाट वाटर यूज़ करना है ठीक है गुनगुना पानी आप यूज़ करो ताकि अच्छी तरह लम्स मिक्स हो जाए मैंने वही यूज़ किया था एंड आई आई जस्ट मिक्सड ऑल द इन्ग्रीडियंट्स ताकि स्मूथ सा पेस्ट बन जाए अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आमला पाउडर आंवला पाउडर आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है अगर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हेयर ब्रेकेज को कम करता है आ, देन आपकी स्किन सॉरी हेयर को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है शाइनी बनाता है ठीक है सॉफ्ट बनाएगा आप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप देखोगे साथ में हमने डाला है यहाँ पे मेहंदी मेहंदी आपको पता ही है जितना भी ग्रे यू नो ग्रेइंग ऑफ हेयर है उसे कम करने में हेल्प करता है आपके हेयर को स्ट्रांग बनाता है रूट्स से स्ट्रांग बनाता है ताकि हेयर ब्रेकेज कम हो जाए और नेचुरल uh, एक कलर भी प्रोवाइड करता है आपके हेयर को एंड हमने यहाँ पे ऐड किया है ऑनियन ऑयल ऑनियन ऑयल आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है न्यू बेबी हेयर ताकि नए हेयर आ जाए आपके स्कैल्प uh, में उसमें हेल्प करता है यू नो बहुत ज़्यादा आपका अगर हेयर ड्राई हो गया है तो उसको प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ऑनियन ऑयल आपके हेयर में डैंड्रफ को कम करने में हेल्प करेगा साथ ही साथ अगर लाइस का प्रॉब्लम है ठीक है उसको भी ये ट्रीट बहुत ही अच्छे तरह करता है ठीक है मैंने वंस मैं अपने पूरे स्कैल्प में इसे स्प्रेड कर लूंगी फिर अपने लेंग्स को मैं अप्लाई कर लूँगी आपने देख लिया मैं मैंने अपने पूरे हेयर में इसे स्प्रेड कर लिया है आप चाहो तो आप एक क्लिप के हेल्प से इसे सिक्योर कर सकते हैं बट पहले मैं अपने हेयर को थोड़ा सा ड्राई होना दूंगी मुझे यू नो you know, सिक्योर करने से मुझे ऐसा लगता है कि अंदर तक ये जो आ, पैक मैंने लगाया है वो ड्राई नहीं होता तो मैं अपने हेयर को ऐसे ही ओपन रखने दूंगी और एक चीज़ गाइज ओल्ड टी शर्ट पहन लीजिए ताकि अगर लग भी जाता है मेहंदी या फिर ये हेयर पैक आपके कपड़ों पे तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आप देख सकते हैं मेरे हेयर का लाइक फाइनल रिज़ल्ट और ये मैं एक्चुअली सेकेंड आई थिंक मेकअप लुक है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी इससे पहले भी मैंने एक मेकअप लुक शेयर किया है ब्राउन मेकअप लुक एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट इवन इन दैट वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेयर सॉफ्ट हो गया है आप खुद देख सकते हैं वीडियो में ही बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो गया है ठीक है एंड स्पेशली सॉफ्ट हो गया है मुझे ऐसा फील हुआ बहुत ज़्यादा रफ हो गया था स्पेशली बिकॉज केमिकल्स था कलर मैंने यूज़ किया था नैचुरली हेयर बहुत ज़्यादा रफ़ हो गया था बट आफ्टर यूजिंग दिस पैक बिलीव मी गाइज बहुत हद तक मेरे हेयर का कंडीशन ठीक हुआ ठीक है मैं तो uh, बीच में ऑयलिंग भी नहीं कर रही थी जिसकी वजह से हेयर का कंडीशन सच में बहुत ख़राब हो गया था बट फाइनली आई डिड दिस एंड आई लव द इफेक्ट आई लव द रिजल्ट ठीक है एंड दैट इज़ ऑल गाइज़ आई होप यू विल लाइक इट आप कोई भी हेयर स्टाइल भी कैरी कर सकते हो अगर आपका हेयर अच्छा दिख रहा हो राइट सो एनी वेज गाइज दैट इज़ ऑल फॉर टू डे इज वीडियो आई होप यू लाइक इट आई विल कम बैक विथ अनादर वीडियो टिल देन टेक केयर ब बाय एंड लव यू ऑल बाय